वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तत् गुरमत ज्ञान यूट्यूब चैनल ते सवाल जवाब दा सिलसिला अते जन्म साखियां दी पड़चोल ये लंबे समय तो चलता आ रहा है। बहुत सारे विद्वाना ने, बहुत सारे आम सिखा ने तरह तरह के सवाल भेजे ने, ते उन्हां दे जवाब देन दा यतन कीता जांदा है। अज सवाल जवाब दा भाग नंबर 54 तुहाडे सन्मुख लैके हाजिर होए हां। अज इस 54 नंबर भाग तो अगे आपां एक एक सवाल दा जो जवाब देन दा यतन करांगे। उम्मीद है तुसी इसे तरह दिलचस्पी दे नाल सवाल करोगे अते अपनी जिंदगी च सुधार लियाउण दा उपराला करदे रहोगे। अकल दी, ज्ञान दी कोई सीमा नहीं बजी हुई, अगे तो अगे ज्ञान दे भंडारे खुलदे जाणगे। दुनिया, ब्रह्मंड, कुदरत, उहदे नियम, अनेक प्रकार दा ज्ञान दुनिया च भरिया पिया है। जिन्ना हो सके ज्ञान हासिल करो अते दूजियां दा उस ज्ञान दे नाल भला करन दा उपराला करो। अगे है सवाल नंबर 466 भाई गुरविंदर सिंह गुरदासपुर तो। इन्हां दा सवाल है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच ईसाई धर्म बारे कोई सवाल है, गलबात है। ईसाई धर्म भारत विच कदों शुरू होया? ये 16वीं सदी दे शुरू विच ईसाई धर्म दे कुछ प्रचारक गोवा च आए, उधरों हौली हौली चलदे चलदे गुरु अर्जन साहिब दी शहीदी दे समय जानी कि 1606 दे विच एक ईसाई पादरी लाहौर भी पहुँचया सी। उन्हें गुरु अर्जन साहिब दी शहीदी बारे अपनी एक चिट्ठी दे विच जिक्र कीता होया है, जिहड़ी उन्हें अपने हैडक्वार्टर दी जानकारी वास्ते ये दस्या कि एक साधु महापुरख नूं समय दी हकूमत ने इस तरह बिना किसी कसूर तो लेखे ला दिता, कतल कर दिता। उहदा भाव ये सी कि इत्थे बच के रहण दी बहुत लोड़ है, तो साढ़े वास्ते भी कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो रही गल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ईसाई धर्म की, गुरु ग्रंथ साहिब हले मुकम्मल तो हो गया सी, पर ईसाई धर्म इत्थे नवा नवा आया सी, उहदे बारे लोगों को कोई पता नहीं सी। ईसाई धर्म की चीज़ है, क्योंकि अज वर्गे साधन धर्म प्रचार दे उदों नहीं सी। इस करके वह जड़ा ईसाइयां दे नियम ने वह गुरु साहिबान तक नहीं पहुँचे, तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अपनी बाणी दे विच उन्हां दा कोई हवाला गुरु साहिब ने नहीं दिता, उहदी कोई आलोचना नहीं कीती। यसू मसीह बारे गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ भी लिखिया नहीं मिलता, क्योंकि उदों अज वांगू तुरंत खबरां पहुँचण दे कोई साधन नहीं हैगे सी। वह हौली हौली जिहड़े ईसाई पादरी ने भारत दे विच फैलदे गए, तो लोगों नूं वह धर्म प्रचार दे ना ही अपने धर्म विच शामिल करते रहे, तो बाद दे विच फिर इत्थे गोरियां दा राज स्थापित हो गया। आपां सारे इन्हां गल्लां नूं जाणदे हाँ, पर बुद्ध धर्म बारे भी जिवें गुरबाणी च बहुत घट है, क्योंकि वह भी इत्थे बहुत प्रभावशाली उन्हां समय च नहीं सी। जैन धर्म का भी जिक्र घट है, तो जिहड़े इत्थे यहूदी धर्म वर्गे नहीं हैगे सी उन्हां दा भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहूदी धर्म का इत्थे कोई प्रचार, कोई होर जिहड़ा जानकारी लोगों कोले नहीं सी। इसे तरह ईसाई धर्म बारे भी लोगों नूं कोई जानकारी नहीं सी, कोई खतरा नहीं सी, कोई उन्हां दा प्रचार नहीं सी, हाले उन्हां दा राज भी स्थापित नहीं होया सी। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ईसाई धर्म बारे कोई जिक्र सानू नहीं मिलता, इस करके क्योंकि उदों हाली वह प्रचलित ही इत्थे नहीं होया सी। सवाल नंबर 467 भाई रणजीत सिंह कनौली, इन्हां दा सवाल है दरबार साहिब विच सजाया जांदा जलाओ गुरु साहिब वेले शुरू होया सी, कि यह मंदरां वांग लोकां नूं कुराहे पाउण अते लुटण दा तरीका तां नहीं है? जी हाँ, गुरु साहिब वेले इहो जिहे कोई नमैशां, कोई जलाओ आदिक नहीं लाए जांदे सी,
उदों तां सगों गुरू साहिब नूं अपनी जान बचाउण वास्ते भी विशेष प्रबंध करने पैंदे सन। उन्हां कोले पहरेदार सेवादार भी हुंदे सन, हथियारबंद भी हुंदे सन, ते उन्हां नूं किले भी बनाउणे पए, उन्हां नूं फौजां भी रखणियां पईआं, उन्हां नूं जंगली वास भी करना पिया क्योंकि हुकूमत नाल सिद्धी टक्कर आउणी शुरू हो गई सी। ते कई थावां ते आपां इह भी पढ़दे हां कि पंजवें पातशाह अते नौवें पातशाह नूं तां सिद्धा शहीद कर दिता गया, ते दसवें पातशाह अते छेवें पातशाह दे नाल समें दीआं हुकूमतां दीआं वड्डीआं लड़ाईआं भी होईआं। ते इस करके उदों आपणा कोई इस तरह की नमायश लाउणी, जलाओ करना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा। जे किते साडे मुखिया ने जलाओ वगैरह लाउणे भी सी तां उहदे विच्चों सिक्ख्या नूं कोई सिक्ख्या मिलनी चाहीदी सी, कोई उपदेश, कोई ज्ञान, कोई अकल मिलनी चाहीदी सी तां कि असीं उत्थों कोई अकल लैके अपने जीवन नूं चंगेरा बना सकीए। पर साडे मुखिया ने इस तरह का कोई प्रबंध नहीं किया, केवल एक नमायश जिही साल पिछों छे महीनों पिछों ला देंदे ने, कोई पुरानियां चीज़ां विखा देंदे ने, ते लोकां तो मत्थे टकवा लैंदे ने, धन दौलत इकट्ठी कर लैंदे ने, पर ज्ञान दा खाना सिखां दा खाली रह जांदा है। इत्थे उसे तरह जिवें मंदरां दे पुजारी अनेकां तरीकियां नाल अपने ही श्रद्धालुआं नूं लंबे समय तो लुटते आ रहे सन, सिखां दे पुजारी भी इस तरह सिखां नूं कमले भी बना रहे ने ते लुट के भी खा रहे ने। गुरद्वारियां दीआं बिल्डिंगां बेअंत कीमती बन गईआं, बहुत सारे गुरद्वारियां ते सोना भी थप दिता गया है, ते लंगरां ते भी बहुत पैसा उजड़ गया साडा, होर बहुत सारे फजूल खर्चे हो रहे ने। पर जे उगराही करके गुरद्वारे बन सकते ने, सोना चढ़ाया जा सकता है, पर की प्राइवेट तौर पर श्रोमणी कमेटी अते होर जिहड़े वड्डे अदारे ने अपने नौजवानों नूं वधिया ढंग की विद्या देण वास्ते की स्कूल नहीं खोल सकते? उन्हां नूं गुरद्वारियां नूं स्कूल का रूप देना चाहिदा सी, कॉलेजां का रूप देना चाहिदा सी, यूनिवर्सिटियां का रूप देना चाहिदा सी, इत्थे कम सिखण दे अदारे कायम करने चाहिए सी तां कि साडे नौजवान बेकार बेरुजगार ना भटकते रहन, उन्हां नूं नशेड़ी ना बनना पवे, उन्हां नूं भुखे ना मरना पवे, उन्हां नूं आत्महत्या ना करनी पवे, उन्हां नूं पंजाब छड़ के विदेशों ना जाना पवे। जे इत्थे उन्हां वास्ते कोई योग प्रबंध इत्थों दे धर्म मुखियां ने कीते हुंदे तां ये मुसीबतां सिखां नूं फिर ना झलणियां पैंदियां। ये सारा कुछ तां होया क्योंकि चंगे पासे सिखां तों उगराहिया पैसा वो नहीं खर्चिया गया, केवल जलाओ ला देने, दिवाली ते ही लखां करोड़ां रुपया फूक देना, अग ला के आतिशबाजी दे राहीं फूक देना, अते होर दीपमालावां करनियां, ते फिर मिठाइयां आदिक वंडदे रहना, लंगर बहुत कमाल दे लोकां नूं छका देना, पर ज्ञान पक्षों सिख फिर खाली दे खाली रह जांदे ने। इन्हां पक्षां ते बहुत सोचण दा लोड़ सी, मौके दे मुताबक फैसले लैण दी जरूरत सी, पर सिख मुखियां ने अपनी कौम दे नौजवानां नूं बच्चे बच्चियां नूं अगे वधण वास्ते कोई सहायता नहीं कीती, कोई राह तरीका नहीं अपनाया, कोई विद्या दा वड्डा अदारा नहीं खोलिया इन्हां वास्ते। ते जिहड़ी बाकी विद्या प्राइवेट अदारियां चों मिलदी है वह बहुत महंगी है, ते वह साडे किसे काम भी घट ही आउंदी है, पैसा भी उजड़ जांदा है, ते नौकरी फिर भी नहीं मिलदी। अपने पैरां ते खड़े करन वास्ते, चंगे इंसान बनाउण वास्ते, चंगे गुरसिख बनाउण वास्ते ये तां साडे धार्मिक अदारियां नूं जलावां दा, दीपमालावां दा, बड़े बड़े लंगरां दा, नगर कीर्तनां दा, ते नारायण सभाई कीर्तनां दा खहिड़ा छड के अपने भविख बारे सोचना बनदा सी। नौजवानां नूं रुजगार देण दा, विद्या देण दा कोई प्रबंध करना बनदा सी, पर ये सारा कुछ नहीं किया गया, ते सानू कुराहे पाया गया अते लुटिया गया। सोचना असी हुण आप है कि असी अपनी लुट करवाउंदे रहना, कि आप अपने पैरां ते खड़े होण दा आप प्रबंध करना है कि नहीं करना। अगे सवाल नंबर 468, भाई आत्मा सिंह निमाणा कीर्तनी दिल्ली तो, इन्हों का सवाल है, वीर जी तुसी कीर्तन सिमरन भजन बंदगी दे खिलाफ क्यों हो?
अगे इन्हां ने गुरबाणी दीयां कई सारियां पंक्तियां दित्तियां होईयां ने कि गुरबाणी तां सानूं कीर्तन जां भजन बंदगी करन वास्ते उपदेश करदी है। गुरु प्यार वालिओ, जे किते भजन बंदगी नाल जिंदगी दे विच बदला आउंदा हुंदा तां सिखां ने अज एडे वड्डे मूर्ख बने नहीं रहना सी। ये कीर्तन केवल कमाई का साधन बन चुकया होया है। कीर्तन का मतलब होंदा कीर्ति वड्याई सोभा ते ओ उपदेश गुरु का जिहड़ा कि अपने हिरदे च सदा बसा के रखना सी ते उहदे अनुसार अपनी जिंदगी बतीत करनी सी। ते मैं तुहाडे सामने कीर्तन तो इलावा होर बहुत सारे नुक्ते रखन लगे हाँ ताकि बहुत सारे वीरां नूं पता लग जावे कि जिहड़ा कीर्तन शब्द इहदी दुरवरतों कीती गई है तां उहनूं सही समझण वास्ते सानूं गुरबाणी दीयां पंक्तियां होर भी पढ़नियां पैणगियां, पूरे शब्द भी पढ़ने पैणगे। गुरबाणी दी पंक्ति दे के सुणा के इह कह दित्ता जांदा है, देखो जी गुरबाणी च लिखिआ है कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना। ते इत्थे कलयुग दे विच कीर्तन प्रधान एक पंक्ति पढ़ दित्ती, पर अगली पंक्ति च पता की लिखिआ है गुरमुख जपिए लाए ध्याना। इत्थे अगली पंक्ति च शब्द जपिए आ गया, कीर्तन है नहीं उत्थे। इस तरह गाय गाए सोना, भाई गुरदास जी कहिंदे ने गाए सोना अंखा मीचै पाईए ना परम पद, गुर उपदेश गै जौलो ना कमाई है। गाउंदे रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, जितनी देर तक गुरु के हुक्म नूं मन के अपनी जिंदगी उहदे अनुसार नहीं बनाउंदे उतनी देर सब कुछ बेकार समझिया जाएगा। तो गुरबाणी दे विच इतों तक लिखा मिलता आसा की वार दे विच आपां रोजाना सुनते हाँ, गुरु रामदास साहब का छक्का एक गुरबाणी नूं बहुत लोग गाते ने, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर भीजै राम राजे। कोई गाउंदा बहुत रागां ते आधारित कीर्तन करदा, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, बड़े तरीकियां नाल गाउंदे ने साज बजाउंदे ने, पर गुरु साहब कहिंदे ने नहीं हर हर भीजै राम राजे। ते रब नूं इस तरह खुश नहीं कीता जा सकदा। ते दूजी गल अगली पंक्ति च गुरु साहब कह रहे ने जिन्हां अंतर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या कीजै। जिन्हां दा अंदर खोट है, जिन्हां दे अंदर विकार भरे होए ने, जिहड़े गुरु दी गल मन के अपने जीवन नूं सुचज्जा ते सोहणा नहीं बणाउंदे, परउपकारी नहीं बणदे, नेक इनसान नहीं बणदे, विकारां नूं त्याग के चंगे गुरमुख नहीं बणदे, उन्हां दा गाया इउं है जिवें चीकां मार रहे ने, रो रहे ने, पिट पटुआ पिया होया। इस तरह का गुरु साहब ने कहा नहीं हर हर भीजै राम राजे। ते जिन्हां दा अंदरों शुद्ध है उन्हां नूं कोई फिक्र नहीं है। ये गुरबाणी दे उपदेश नूं लैणा है आपां ने। मैं ते ये भी कहण नूं मजबूर हाँ कि दुनिया दे विच जिहड़े वड्डे इनकलाब आए ने वो सारे दे सारे लैक्चर दे राहीं, वो सारे लिखतां दे राहीं, लेखां दे राहीं आए ने, ना कि केवल कीर्तन करके कोई साज बजा के दुनिया दे विच इनकलाब नहीं आए। जंग युद्ध लड़न वास्ते लोकी कीर्तन सुन के तैयार नहीं हो सके, वो लैक्चर सुन के तैयार होए ने। गुरबाणी दे विच ये पंक्तियां जे किते आ गई ने इहदा मतलब ये नहीं कि असी कीर्तन ही करते रहिए। कि गुरु साहब जंग युद्ध लड़ते सी कि कीर्तन ही करते सी? कीर्तन किसे समय ते चंगा है कभी 24 घंटिया च 10-20 दिन च कर लिया जाए कभी बारी, तो ये कोई बुराई नहीं है, मनोरंजन हो सकता है, पर जे सिक्ख्या मिलती है तो इत्थे याद रखना है कि गुरबाणी दे विच होर किन्ना कुछ लिखिया होया वो असी सारा भुल गए। इत्थे गुरु साहब कह रहे ने तैसे गुरबाणी लिख पोथी बंद राखियत मिल गुर सिख पढ़ सुन लिव लाई है। भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुरबाणी दियां पोथियां सिख अपने कोले रखदे सी बन के कपड़े च, ते जदों भी किते कट्ठे हुंदे सी मिल गुर सिख पढ़ सुन लिव लाई है, पढ़ के सुन के विचारां करदे सी। फिर इसे तरह तैसे गुर सिखन मैं ते एक टेक ही प्रधान,
आन ग्यान ध्यान सिमरन बे विचार है। भाई गुरदास जी कहते हैं गुरसिखां दे विच इको ही टेक है परमात्मा दे उत्ते, ते बाकी तां जिहड़ा ग्यान इकट्ठा करी फिरदे हो जिहड़ा जिंदगी च किसे काम ना आवे वह बेकार है, वह सिमरन बे विचार है। भाई गुरदास जी कहते हैं तैसे गुर शब्द सुनाए गाए सिख ठगो भेख धारी जान मोहे मारना बिड़ा रही। भाई गुरदास जी कहते हैं बहुत सारे लोगों ने अपना किता बना रखिया, कमाई का साधन बना रखिया गुरु के शब्द न गुरबाणी न। तैसे गुर शब्द सुनाए गाए सिख ठगो, सिखां नू ठग रहे ने कीर्तनीय शब्द सुना के लुट रहे ने बेअंत लोग, भेख धारी जान मोहे मारना बिड़ा रही। इन्हां लोगों ने बहुत भेख धारिया होया धर्म का पर लुट के खा रहे ने। अगे गुरबाणी दे विच उपदेश ने गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत नू मनना है ते अपनी जिंदगी जो तारना है। गुरमत मानिया मोख द्वार, जे गुरु नू गुरमत नू मन लवांगे तां समझ लो एहो ही मुक्ति है। नानक गुरमत मानिया परवार है साधार, हे नानक आख जे गुरमत नू मन लिया आप तां तारी जाना है बल्कि अपने संगियां साथियां नू भी तार देना है, अपनी जिंदगी नू तुसी सोहनी सुचजी बना लेना है। ते कीर्तन केवल जिहड़ा के अज प्रचलित हो चुकिया है रैन सवाई कीर्तन, हर थां ते कीर्तन, इस कीर्तन दे विच्चों जे कोई रिजल्ट चंगा निकलिया हुंदा तां अज सिखां दी ए हालत कदी ना हुंदी। जिवें अखंड पाठां दीआं लड़ियां चल रहीआं ने, बेअंत सहज पाठ हो रहे ने, दरबार साहब दे विच कई कई साल दी बुकिंग हो रही है पाठां दी, इह कमाई दा साधन तां हो सकदा है पर सिक्ख्या दा ज्ञान दा साधन नहीं है। कीर्तनीए आप की करते ने, उन्हां दी जिंदगी किहो जी है, ये बहुत कुछ अखबारां च और आउंदा रहिंदा है। कई सारे कीर्तनीए बलात्कार दे केसां विच जेली जा चुके ने, कई सारे कीर्तनीए नशे करदे पकड़े जा चुके ने, कई सारे कीर्तनीए गोलकां लुटदे फड़े जा चुके ने, धर्म दे चोले पाउण वाले बहुत गलत काम करदे वेखे सुने जा सकते ने, अखबारां दीआं सुरखियां बणियां पईआं ने। गुरु प्यार वालेओ इस तरह जिवें तुसीं कीर्तन दा इत्थे जिक्र कीता है कि इंद्र सिंह घग्गा कीर्तन दे विरुद्ध है, कीर्ति हुंदा है वड्याई सोभा सिक्ख्या लैणी, अपने दिमाग दे विच अपने मन दे विच गुरबाणी दे असूल नू बिठा लैणा, तां असीं कह सकदे हां कि इह बंदा सचमुच रब दी कीर्ति करदा है, गुरु दी सोभा करदा है। उंज कीर्तनी ढोलकियां बाजिए खड़काई जाना इन्हां दी कोई कीमत नहीं है, इन्हां ने साडा संवारिया कुछ नहीं बिगाड़िया बहुत है, भाव के असीं अग्ञानी रह गए हाँ। जिहड़े कीर्तनी है कीर्तन खुद कर रहे ने, मैं उन्हां तों कई बारी उसे शब्द का अर्थ पुछे ने ते उन्हां नू जिहड़े दा अर्थ कर शब्द पढ़ के हटे ने उहदे अर्थ भी कई बारी नहीं आउंदे। गुरु प्यार वालेओ ध्यान रखना है कबीर गुर लागा तब जानी है, मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हर आपै आप। ऐ सारे गुरु दे ही उपदेश ने, कला कीर्तन दा एक पंक्ति लैके वह लोगों च प्रचारी जाने ये सोभा नहीं दिंदा बल्कि सारी गुरबाणी साडी जिंदगी दा आधार बने। असी गुरबाणी नू केंद्र बिंदु जान के अपना जीवन जीवीए ताही असी वधिया इंसान वधिया सिख बन सकते हैं, वरना असी बहुत गलत काम कर रहे हैं। सिख कीर्तन सुनने वाले किन्ने सारे मड़िया कबरां वहमां भरमां पखंडां दे विच डुबे हुए भी अज तक वेखे जा सकते ने, ये तुसी चंगी तरह आले दुआले ध्यान मार सकते हो। अगला सवाल 469 नंबर भाई राजकुमार बागला, इन्हां दा सवाल है पन्ना नंबर 435 ते, गुरु साहिब दा शब्द है निगुरे का है नौ बुरा, ते इत्थे फिर गुरु वाला बनन दी की प्रक्रिया है ये इन्हां ने सवाल पुछया है। इत्थे इन्हां ने पंक्ति केवल एक दित्ती है पर इत्थे पंक्तियां बहुत ने। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई,
निगुरे का है नौ बुरा, इन्होंने केवल ये लिख दिता। इत्थे 35 अखरी जड़ी है राग आसा महला तीजा पट्टी बाणी जड़ी गुरु अमरदास दी है 435 34 पन्ने तो शुरू हुंदी है ते 35 पन्ने तक चलती है। तो उहदे विच एक उपदेश नहीं है, उहदे विच बहुत उपदेश ने। जे मैं सारे पढ़न लग जावां ये तो बहुत समा लग जाएगा, अर्थ करन लगवां तो होर समा लग जाएगा। केवल कुछ पंक्तियां मैं तुहानू सुणाना ते गुरु साहब ने किवें किवें लिखिया होया है। ससै संजम गया मूड़े एक दान तुद कुथाए लिया, ससे अखर नू सामने रख के गुरु साहब उपदेश करते ने। ओ पलिया लोका तू दान भी लैना ता तेनू ये भी नहीं पता भी ये दान नहीं लैना चाहिदा, गलत थां ते लै लिया। साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खाधे तेरा जन्म गया। ओ भाई तू तां धीआं दा लड़कियां दा विआह करन दे भी पैसे लै लैना, आनंद कारज दे जां फेरे कराउण दे पुजारी तबका पैसे लैंदा, तू तां ये सारा कम गलत कर लिया, कुछ तां शर्म कर लै, इदा ना करिया कर। लड़कियां दे विआह शादियां च पैसे ना लै। मम्मा मत हिर लई तेरी मूड़े होमै वड्डा रोग पया, मम्मा अखर कह के गुरु साहब कहिंदे ने तेरी मत तां खत्म हो गई है, होमै दे विच आ गया, तू रोगी बन गया। अंतर आत्मा ब्रह्म न चीना माया का मोहताज पया, तेनू अंदरों अपने प्रभु परमात्मा दे दर्शन नहीं होए, चंगी मत नहीं आई ते तू तां माया दा गुलाम बन के रह गया, चारे पासे माया हड़प करन वास्ते तू तरीके लभदा फिरदा। कक्का काम क्रोध भरम्यो मूड़े ममता लागा तुद हर विसरिया, कक्के अखर नू वरत के हे भाई तू तां काम क्रोध दे विच गरकिया होया ते तेनू तां रब भुल ही गया। पढ़ै गुणै तू बहुत पुकारै बिन बूझे तू डूब मया, तू पढ़दा बहुत है लोकां ते बहुत रोह पाउना पर उहनू अपनी जिंदगी च लागू करन तो बिना तू डुब गया, जिंदगी बर्बाद कर ली। ते इस तरह बहुत सारे जिहड़े उपदेश ने गुरु दे उह इस बाणी दे विच मौजूद ने। तत्ता तामस जलियो मूड़े थत्था थान भ्रष्ट होआ, घग्गा घर घर फिरें तू मूड़े दद्दा दान ना तुद लया, पप्पा पार ना पवै मूड़े परपंच तू पलच रहया, सच्चा आप खुआयो मूड़े ए सिर तेरा लेख पया, पब्बै भवजल डूबो मूड़े माया विच गलतान पया, गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मैं पार पया। वावै वारी आईया मूड़े वास दियो तुद विसरिया, ए वेला ना लैसै मूड़े फिर तू जमकै वस पया, झज्जै कदे न झूरै मूड़े सतगुर का उपदे सुन तू विखा, सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नौ बुरा। तू जे इना उपदेशा नू हिरदे च बसावेगा तां तू गुरु वाला है, जे तू नेक इंसान बन जावेगा गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीवेगा तां तू गुरु वाला है, जे तू गुरु दी आकी गल ही नहीं मनी फिर तू निगुरा है, तू गुरु हले नहीं मन्या नहीं धारण किया भाव के गुरु का उपदेश हिरदे च नहीं बसाया। जे तू धर्मी अखवाना धर्मी बनया फिरदा ते केवल लोगों नू लुटन वास्ते धर्मी बनया, एक्चुअल तेरी जिंदगी च धर्म का नामो निशान नहीं है। ये उपदेश है गुरु का, इको पंगती लैके सही अर्थ नहीं हो सकते, सारा शब्द पढ़ना पवेगा फिर गल पले पैंदी है। अगों सवाल नंबर 470 भाई मनजिंदर सिंह पिंड सनेर जिला फिरोजपुर, इन्होंने सवाल किया है आम डेरियां दे विच साधा संतां दे नाम नाल लिखिया मिलता है, संत बाबा 108 जां 1008 जां पूर्ण संत ब्रह्म ज्ञानी, इसका की मतलब है? तुसीं कदी डिक्शनरी पढ़ के वेखियो, भाई कान सिंह नाभा दी महान कोश पढ़ के वेख लियो, उहदे विच जो श्री शब्द है श्री किनू कहिंदे ने उह जदों लभोगे देखोगे तां तुहानूं उहदे अर्थ समझ आणगे। श्री मैने हुंदा है वड्डा उच्चा महान, इहना किसी एक व्यक्ति का सत्कार करन वास्ते आपां श्री शब्द उहदे वास्ते वरत लैंदे सी पुराने समें च, ते हिंदू शास्त्रां दे विच ये श्री शब्द वरत्या गया है, ते असीं अजकल साहिब कहने आ जां आम सिख नूं सरदार कहने आ,
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ 108 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 108 ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ 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 108 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ 108 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, 0 ਅਤੇ 8 ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। 108 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 1008 ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ 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 1008 ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਟਕੌਂਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੁਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ 108 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ 1008 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜੋ, ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਭਾਗ 54 ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ 55 ਨੰਬਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।